जाखड़ नूं मैं पुछना चाहना उन्हां दा पिछले इलेक्शन दा चोन मैनिफेस्टो है जिथे उन्होंने वादे किए हैं कि साड़ी सरकार बनते असी किहड़े किहड़े काम करते चोन मैनिफेस्टो च लिख के जो सरकार बनी सरकार बनते 3 महीने के अंदर ही इन्होंने वो सारे एक्ट पास कर दिए। तो मैं तो यही पूछना चाहना जाखड़ साहब जो तुम चोन मैनिफेस्टो बनाया सी उदों तुसी क्यों लिखिया सी अपने चोन मैनिफेस्टो जा गल्लां जिहड़े तुसी कहिंदे हो कि जिहड़ा चोन मैनिफेस्टो है कि असी हर चीज पूरी कर ली कैप्टन साहब ने कहा सर प्लीज उहदे लिखिया खास करके मक्की का जिक्र किया कि मक्की असी पूरे पैसे ते खरीदांगे ते तुसी अपनी गल क्यों नहीं पूरी कीती। गुटका साहब की सौ खा के इन्होंने कहा असी 1 महीने तोड़ बंद कर देंगे पर हुण की हो रहा है हुण तां रिकॉर्ड तोड़ दिते कांग्रेस के MLA उन्होंने गैंगस्टरां नूं पूरी प्रोटैक्शन दिती है। 2-3 इशूज़ ते अज प्रेस कॉन्फ्रेंस असी कर रहे हैं जिहड़ियां बड़ियां अहम है। सब तो पहले मैं शुरू करना चाहना है जिहड़ा प्रोपागंडा कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह आ जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस किसानी ते जिहड़े पास किया ऑर्डीनेंस बिल पास किए सेंटर की सरकार ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह आप ते जाखड़ साहब प्रेजिडेंट कांग्रेस रोज़ प्रचार कर रहे हैं कि ऑर्डीनेंस बंद होने चाहिए है ऑर्डीनेंस किसानी के खिलाफ है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं ते जाखड़ नूं मैं पुछना चाहना उन्हां दा पिछले इलेक्शन दा चोन मैनिफेस्टो है जिथे उन्होंने वादे किए हैं कि साड़ी सरकार बनते असी किहड़े किहड़े काम करने जिवें इन्होंने घर घर नौकरी का गल की सी जिवें इन्होंने नशे बंद करने की गल की सी जिवें करजे माफ़ करने की गल की सी उत्थे ही इन्होंने अपने चोन मैनिफेस्टो 36 नंबर पेज विच सफे विच इन्होंने जिहड़ा वादा किया सी कि असी APMC जो साड़ी सरकार बनी APMC एक्ट विच सोध करांगे प्राइवेट मंडियां खोलांगे ते सारियां मार्केट जिहड़ी मंडी है इंटरनेशनल पद्धर ते असी खोलांगे सारे खोलांगे। जो एक्ट दे विच अज कह रहे हैं कि आ गलत है इन्हां दे चोन मैनिफेस्टो च लिखिया सी चोन मैनिफेस्टो च लिख के जो सरकार बनी सरकार बनते 3 महीने के अंदर ही इन्होंने वो सारे एक्ट पास कर दते। तो मैं तो यही पूछना चाहना जाखड़ साहब जो तुम चोन मैनिफेस्टो बनाया सी उदों तुम क्यों लिखिया सी अपने चोन मैनिफेस्टो च आ गल्लां तुसी सरकार बनते फिर कीतियां क्यों जिहड़ी अज वो गल कर रहे हैं। सो मैं किसान वीरां नूं मैं सारयां नूं पंजाबियों नूं मैं दसना चाहना आ जिहड़े एक्ट ऑर्डीनेंस बनाए गए है सारे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस पार्टी ने अपने चोन मैनिफेस्टो च लिख के सरकार बनते उन्होंने लागू किए। हुण कैप्टन की सरकार जान के क्योंकि अपनी कमजोरियां नूं लुको रही है किसानां नाल बड़ा वितकरा कर रही है तां किसान बड़े दुखी है उन्हां नूं गुमराह करन वास्ते दिशा चेंज कर रही है जिहड़ी ते ओह कह रहे है कि जान के गल फसाई फैलाई जा रही है कि MSP बंद हो जूगी तो जिहड़ा हैगा खरीद बंद हो जूगी। विश्वास दवाना है मेरे को कल किसान यूनियन मेरे पिंड आए सी मैं उन्होंने मिलया सी ते उन्हां सामने भी मैं कहा अज भी इस तो पहले मीटिंग तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मेरे कई किसान जथेबंदियां आई हैं मैं उन्होंने अशोर किया कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दी मां पार्टी है किसानी नाल जुड़ी हुई पार्टी है साढ़े वर्कर 90% किसानी नाल जुड़े है तो किसानी का दर्द श्रोमणी अकाली दल जानती है तो किसानी वास्ते ही लड़ती रही है किसानी के हकों लड़ती रही है। श्रोमणी अकाली दल कोई ऐसी चीज नहीं होन दूगी जिहड़े किसानी के खिलाफ होए या किसान जिहदे ते नुकसान होए। तो मैं
इन्ना एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल साडी सारी जथेबंदी मेरे नाल बैठी है। असीं इहना चाहुंदा है कि सेंटर की सरकार नूं असीं कहा ते सानू पूरा विश्वास दिता कि इस एक्ट विच कोई भी किते नहीं लिखिया MSP बंद होगी या खरीद बंद होगी। तो उन्होंने कहा कि ते मैनू कहा इंश्योरेंस देने वास्ते ते मैं भी इंश्योरेंस दिंदा। तो पार्लीमेंट में जो बिल लिया जाऊगा पार्लीमेंट में भी सेंटर की सरकार इंश्योरेंस देगी कि MSP जिमें MSP तो MSP की खरीद जिमें अज या पिछले कई सालों तो चल रही है उवें ही खरीद रहेगी तो उवें ही MSP ते खरीदी जाऊगी तो सारी फसल चक्की जाऊगी। मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने कहना कि जे बाई चांस कित भी भावें अज की सरकार हो या अगलिया सरकार कित भी कोशिश कर श्रोमणी अकाली दल सब तो अगे होके लड़ाई लड़ूगा तो वो तो कुर्बानी जो देनी पेगा किसी हालत ना असी MSP बंद होने देवे ना होएगी तो ना खरीद बंद होंगे मैं विश्वास देना चाहना। दूजी गल अज बड़ा जिक्र हो रहा मक्की बारे कि पंजाब के किसान की सौ रुपए की कुछ रेट है MSP का तो 600-700 रुपए की बिक्री है। इस 600 की बिकन दे असली गुनेकार कैप्टन अमरिंदर सिंह है। सेंटर की सरकार ने पिछले 2 साल हो गए एक सेंटर विच स्पेशल फंड लिखा है फंड रखे 15,000-14,000 करोड़ का। वो फंड की है उन्होंने स्टेटा हदायत की है कि जड़िया स्टेटा जड़िया फसल MSP जिदा ऐलानी जाती है वह फसल जे MSP तो घटते रेट से बिक्री है उन्होंने सेंटर की सरकार ने सूबे की सरकार कहा तुसी अपनी सरकारी एजेंसी राही तुसी वो फसलों नू खरीद लो जिहड़ा फर्क है वह जिन्ना फर्क है वह बिल साढ़े को भेज दौ 14,000 करोड़ रुपया रखे वह 14,000 करोड़ चो उन्ना पैसा वापस पंजाब सरकार नू दे दोगे। तुसी देखोगे हरियाणा सरकार ने अपनी गुआंढी सूबे की सरकार है 3,500 करोड़ रुपया उस तो सेंटर तो ले लिया वो सारी चीज़ MSP ते खरीद रहे हैं भी खरीद रहे हैं दूजिया फसल भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर लिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सुते पे जाकर साहब अपने मुख्यमंत्री नू जगाओ अपनी सरकार नू जगाओ जे धरना देना है जे तुसी धरना देना है तो मुख्यमंत्री दे घर दे सामने दिओ थोड़े मुख्यमंत्री करके अज मक्की 600 रुपये की बिक्री है जे मुख्यमंत्री अपने मार्केट राही 500 रुपये खरीद लेंदे सेंटर ने उन्होंने उन्ना बकाया पैसा दे देना सी ते किसानां नू 1,000 रुपये 1,100 रुपये क्विंटल वध आना सी। थोड़े चोन मैनीफेस्टो च भी तुसी आई लिखिया सी जिहड़े तुसी कहने हो कि जिहड़ा चोन मैनीफेस्टो है कि असी हर चीज पूरी कर ली कैप्टन साहब ने कहा सर पिल्ली उहदे लिखिया खास करके मक्की का जिक्र किया कि मक्की असी पूरे MSP ते खरीदांगे ते तुसी अपनी गल क्यों नहीं पूरी की। दूजी गल जिहड़ी है जिहड़ी सबसिडी सेंटर सरकार ने पंजाब सरकार नूं पैसा भेजा सबसिडी भेजी कि जिहड़े किसान दे किसान भरा कोई संद लेना चाहुंदे आ जिवें झोने की डायरेक्ट झोने की मशीनां लाउण वास्ते मशीनां लैणियां जां रोटोवीटर लैणा है जो भी लैणा है सबसिडी करोड़ां रुपये भेजे ते पंजाब सरकार दे मंत्रियां ने पंजाब सरकार ने सबसिडी किसान नूं देण दी बजाए सीधे वो वड्डे वड्डे कारखाने कंपनियां नूं दे दित्ती जिहड़ा रोटोवेटर 60,000 का सी या 30,000 का सी जिन्ना भी सी दुगने रेट ते खरीदे गए तो सबड़ी करोड़ों रुपये का सबसिडी का घपला होया। मैं देश के प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं असी श्रोमणी अकाली चिट्ठी लिख रहा कि इहदी CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए है जिहड़ा करोड़ों रुपये का घपला सबसिडी के नाँ ते दुगने रेट ते किसानां दा नुकसान होया दुगने रेट ते उन्हां नूं सारियां चीज़ां खरीदनियां पईआं संद खरीदने पए ते करोड़ों रुपये की शक जिहड़ी सबसिडी है मिल के वह खा गए तो क्वालिटी भी बुरा हाल कर दिता क्वालिटी का। जाखड़ साहब तुसी गुरदासपुर तो पार्लीमेंट इलेक्शन लड़े कांग्रेस के प्रधान हो सारे माझे ते दुआबे जिहड़ी गन्ना मिलां सारे पंजाब दी गन्ना मिलां 1.5-2 साल हो गए 2-2.5 साल हो गए
किसान का पैसा नहीं दिता उन्होंने, आ कोई किसान कोई रैत नहीं मंग रहा, अपनी फसल की कीमत जड़ी फसल गन्ना मिलों ने चकी है हले तक उन्होंने अपना पैसा नहीं मिलिया। तुसी किसानी की गल करते हो, धरना देना है मुख्यमंत्री के दरवाजे करो, कोऑपरेटिव मिनिस्टर के दरवाजे करो, धरना तो थोड़े घर इस घर के सामने लगना पैना लाना पैना, क्योंकि तुसी किसानां दी जिहड़ी हक दी पैसा वो हक का पैसा नहीं दे रहे। अज कोऑपरेटिव मिल ने तकरीबन 137 करोड़ रुपया किसान का देना है, प्राइवेट मिलों ने 300 करोड़ रुपया किसान का देना पिछले 2 सालों का, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की सरकार के दौरान हर साल जिन्ना गन्ना के रेट होंगे सी नाल दे नाल किसान नूं पैसा मिलता सी, जदों की थोड़ी सरकार आई है ना किसान नूं मिल रहा है, किसान धक्के खा रहा है, धरने दे रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो तुसीं अपने महलां च बैठे हो आराम करके बैठे हो। मैं 2016 की भी तुसीं 2016 की भी साडी स्टेटमेंट देख लो, मैं कहा सी जिहड़ी पंजाब विच ड्रग्स आउंदे है आ सारे पाकिस्तान तो आउंदे है, आ इंटरनेशनल पाकिस्तान ड्रग टेररिज्म शुरू कीते आ पंजाब च, ते मैं कहा जिहड़े आउंदे है ड्रग्स पाकिस्तान तो आउंदे है बॉर्डर तो आउंदे है, तुसीं देखिया होणा असीं धरना भी दित्ता सी, पर गुटका साहब की सौंख आके इन्होंने कहा असीं एक महीने तोड़ बंद कर देंगे, पर हुण की हो रहा है, हुण तां रिकॉर्ड तोड़ दिते, कांग्रेस के MLA उन्होंने गैंगस्टरां नूं पूरी प्रोटैक्शन दिती है, तो अज जिन्ने कांग्रेस के MLA जिन्ने ड्रग पुशर्स है सारे तो महीना ले जाते हैं, तुसीं देख लो लॉकडाउन होया शराब देखो घर घर पहुँचाती सी कांग्रेस के MLA ने, समगलिंग चिट्टा ड्रग्स घर घर पहुँचा रही सी, क्यों इन्हां सारे दे पास बनाए सी, सारे कांग्रेस के लीडर ने पास बनाए सी। मैं पूछना चाहना किन्ने ड्रग समगलर फड़े इन्होंने, एक वड्डा समगलर दसो, क्योंकि सारे तो महीना लेंदे है, तो अज हालात इन्नी हो गई इन्ने ड्रग्स मैं पहले नहीं जिंदगी देखे, अज घर घर चले जाको किन्ना बुरा हाल हो गया। मैनू बड़ा दुख आता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जिहड़ा नवा कानून बनाया है, पहले पंजाब का अलग पे कमिशन हुंदा सी, सेंटर का अलग पे कमिशन हुंदा सी, पंजाब दी जिन्ने मुलाजम है पंजाब दे पे कमीशन दे हिसाब नाल उन्हां दीआं सैलरियां मिलदियां सी, पर कैप्टन ने वो बंद कर दिता, हुण सेंटर दे पे कमीशन दे लाते जो बहुत घट है, आ एक बहुत वड्डा छुरा पंजाब दे मुलाजमां दे पिट ते मारिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। मैं पंजाब दे मुलाजमां नूं ते सारे पंजाबी नूं दसना चाहुंदा जिन्ने भी पे कमीशन बने हैं पिछले कई सालों देख लो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने बनाए, जिन्ने भी पे कमीशन लागू हुए है वह भी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने लागू किए, एक भी पे कमीशन ना इन्होंने लागू किया, हुण देख लो 3 साल हो गए हले तक पे कमीशन लागू नहीं किया।